तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इस लेक्चर में हमारा फोकस पूरा का पूरा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन पर होगा। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने के साथ साथ हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखा था, वैसे हम डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन के साथ अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिकॉम्पोजिशन डिकम्पोज होना, क्या होना? डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है डिकम्पोज होना यानी टूटना, किसी चीज का डिकम्पोज होना, किसी चीज का टूटना एक से ज्यादा पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ क्या होता है, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसा रिएक्शन हमारा डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो सिंगल रिएक्टेंट कितना, एक रिएक्टेंट, ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, सिर्फ एक रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, टूटता है और कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट्स हमें बना के दे या कई सारे प्रोडक्ट्स हमें मिले, तो ऐसे रिएक्शन को डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल। देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल, मैं आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, आपको आगे चल के चैप्टर टू में आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इस चीज को पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां बता देता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी चीज का क्रिस्टल, जैसे फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल, किसी भी चीज का क्रिस्टल, आयरन सल्फेट का क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल हो, कैसा भी क्रिस्टल हो, अगर हम क्रिस्टल बोल रहे हैं दैट मीन्स उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा। अगर हमने क्रिस्टल बोला है दैट मीन्स उस कंपाउंड के साथ क्या एसोसिएटेड है, क्या जुड़ा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब उस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या है, प्रेजेंट है, और इस वाटर मॉलिक्यूल को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां पर अगर आप FeSO4.7H2O की बात करें, जो कि हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, .7H2O, तो यहां पर 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म का मतलब यह नहीं कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे अगर चीनी के क्रिस्टल्स को आप देखिएगा, चीनी के क्रिस्टल्स को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने से चीनी से लिक्विड रिलीज होता है। वो लिक्विड क्या है? वो एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो चीनी के क्रिस्टल के साथ क्या थे, प्रेजेंट। उसी तरीके से हमारा जो भी क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल में एक फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करोगे, सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल से वाटर रिलीज होगा वेपर फॉर्म में, और आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल से सिर्फ फेरस सल्फेट या एनहाइड्रस फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, आपको फेरस सल्फेट मिलेगा। जैसे ही आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया, आपको क्या मिलने वाला है, आपको यह दिखाई देगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं, उस क्रिस्टल से निकल चुके हैं। कैसे दिखाई देगा, मान लेते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, मैं आपको बता दूं, लाइट ग्रीन होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है, क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। जो फेरस सल्फेट होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ना वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि लाइट ग्रीन कलर का है, जब आप उसे हीट करोगे टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में, तो जैसे ही आप हीट करोगे तो आप बॉइलिंग ट्यूब में वाटर वेपर्स को देख पाओगे इनसाइड द वॉल बॉइलिंग। जैसे ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले रखा है, ठीक है, आपने इसको हीट करना शुरू किया। जब आप हीट करोगे तो आप ये वॉल्स पर ना, अंदर वॉल्स पर क्या देख पाओगे, अंदर वॉल्स पर आप देख पाओगे वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या देख पाओगे, वाटर मॉलिक्यूल्स आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आया कहां से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये और कुछ नहीं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जो कि उस क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल से आपको एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलेगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वाटर नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये अब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर लाइट ग्रीन से क्या हो जाएगा, इसका कलर लाइट ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा, इसका कलर लाइट ग्रीन से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर हीट करने पर, इसी फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करने पर ये क्या आपको देगा, ये आपको फेरिक ऑक्साइड देगा जो कि रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का होता है। फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ये आपको ब्राउन कलर का एक फेरिस
फेरिक ऑक्साइड देगा, साथ में दो गैसेस भी रिलीज होंगी जो कि होंगी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेस रिलीज होंगी। तो यहां आप देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट आपको तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है। कितने प्रोडक्ट्स दे रहा है? तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ डिकम्पोजिशन कराने के लिए आपको हीट की सप्लाई देनी पड़ रही है, आपको हीट करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात आपको अब मैं बता दूं कि यहां पर आप ये कलर जो मैं लिख रहा हूं आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कलर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बोलेगा आपको ये यहां से, ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया इससे जस्ट ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि हमने एक लाइट ग्रीन कलर का क्रिस्टल लिया जिसको हमने हीट किया तो वो व्हाइट कलर में बदल गया और कुछ वाटर वेपर रिलीज हुए, उस व्हाइट कलर के कंपाउंड को हमने फर्दर हीट किया तो जिसके बाद हमें दो गैसेस मिली और साथ में एक ब्राउन कलर का सॉलिड कंपाउंड मिला। तो बताओ कैसा रिएक्शन है, ये जो व्हाइट कलर का कंपाउंड उसका नाम क्या है, ग्रीन कलर का कंपाउंड उसका नाम क्या है। तो इसलिए आपको कलर्स वगैरह पता होने चाहिए कि कौन से कंपाउंड का कलर क्या है, ये बहुत जरूरी है। बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये सब। तो कलर वगैरह साथ में जो ये मैं लिख रहा हूं ना, इसको ध्यान से लिख लो, कॉपी में नोट्स बना लो, इसको लिखते रहा करो कि किसका कलर क्या है। या फिर आप क्या करो, अपने कॉपी में अपने कॉपी का एक पेज डेडिकेट करो और वहां पर क्या करो, वहां पर ऐसे एक कॉलम बनाओ, यहां लिखो कंपाउंड, ये कॉलम कंपाउंड का बना लो, ये कॉलम बना लो कलर का, कंपाउंड का नाम इधर लिखो और उसके जो कलर, उसके रिस्पेक्टिव कलर उसके सामने यहां लिखो। ऐसे जब आप एक पेज प्रिपेयर करोगे ना तो आप देखोगे ना कि जब आप 10th के 3-4 चैप्टर पढ़ चुके होगे, जैसे केमिकल इक्वेशंस आपने पढ़ लिया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो ये पेज आपका पूरा भर जाएगा, कई सारे आप कंपाउंड से कलर आपको पता चल जाएंगे। करना बहुत जरूरी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस में या नॉर्मल क्वेश्चंस में भी ये हमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा कि किस कंपाउंड का कलर क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा अगला एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं जनरल नेम में, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो हीट करने से क्या होता है, ये आपको क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड देता है। क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है और साथ में गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहां पर भी डीकंपोजिशन हो रहा है। रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट हमें दो मिले, एक प्रोडक्ट ये मिला और एक प्रोडक्ट ये मिला, तो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट दो मिले या तीन मिले या उस तीन से भी ज्यादा मिले, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहां भी डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको हीट की सप्लाई देनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।